देखो अपन 2-4-5 दिनों से जो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं वो अपन ट्रेडिशनल पुराने वाले माइक्रोस्कोप पे कर रहे हैं। एक बेसिक डिजाइन यही होता है इसका, 100x से लेके और 150-250 ये 450x तक ये दिखाता है हमको, मैग्निफिकेशन है इसका। मैं ऑनलाइन चेक कर रहा था तो मुझे एक माइक्रोस्कोप दिखा, छोटा सा पॉकेट माइक्रोस्कोप बोला था उन्होंने, तो मैंने मंगवाया। मैंने कहा बच्चों को दिखाएंगे, बच्चों के साथ डिस्कस करेंगे कैसा है क्या है। तो आज कंपेयर करेंगे, एक तो इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे अपन, ये माइक्रोस्कोप कैसा है, और एक इससे कैसा दिखता है और इससे कैसा दिखता है। क्योंकि इसमें क्या है, फोन अटैच करने का भी क्लिप आता है, क्लिप आती है ना फोन अटैच करने, वो फोन अटैच करने की क्लिप किसके साथ में आई, तो हम लोग है ना स्क्रीन के ऊपर चीजें देख सकते हैं। तो ट्राई करते हैं दोनों से, देखेंगे कैसा किसमें कितना अच्छा दिखता है। ठीक, तो बोलते हैं इसको खोल के देखते हैं कैसा है, फिर इसको और इसको कंपेयर करेंगे। और छोटा डब्बा इसके अंदर, देखो ये और छोटा है, देखो ठीक। अब इसमें देखते हैं इसमें क्या निकलेगा। कंपनी का आर्सन है इसकी, इसमें लिखा हुआ है उन्होंने बहुत सारी चीज डाली है, स्मार्टफोन एडाप्टर क्लिप भी है, माइक्रोस्कोप भी है, फ्लिप है, और इसके साथ स्लाइड भी है। स्लाइड तो अपने पास वैसे ही बहुत है, यस सर, अलमारी भरी है अपने पास में। और डबल ए बैटरी का अडेप्टर है, डबल ए बैटरी नहीं है, बैटरी डाल दूंगा मैं। पहले तो इन्होंने स्मार्टफोन की क्लिप ही दी है, ये क्लिप है, ये यहाँ से तो लग जाएगी इसके ऊपर, माइक्रोस्कोप पे लग जाएगी और इसके ऊपर फोन अटैच कर सकते हैं। ये तो क्लिप है, इसको तो बाद में देखेंगे, पहले माइक्रोस्कोप देखते हैं। ये है, ये है छोटा सा, इसमें इन्होंने ये भी दिया है हाथ में डाल के रखने के लिए, पकड़ के रखने के लिए, कैसे खड़ा कर देते खड़ा हो जाता है। सही है, मैं YouTube पे वीडियो देखा था इसका, मुझे अच्छा लगा था, मैंने कहा इसको मंगवा के देखते हैं कैसा है। ज्यादा महंगा भी नहीं है, 2500 रुपए का ही है, सस्ता ही, ज्यादा महंगा नहीं है, 2500। इसमें देखो अलग अलग चीज दे रखी है उन्होंने, ऊपर तो इसका आईपीस है, जैसे इसमें ये आईपीस होता है ना, ऐसे इसके अंदर यहाँ ऊपर आईपीस है। ठीक, इसमें इसको सेट करने का सिस्टम अलग है, वो भी दिखाऊंगा मैं। इसको सेट करने का सिस्टम अलग होता है, इसमें फोकस करने अलग करने सिस्टम होता है, फाइन एडजस्टमेंट अलग सी होते हैं, तो ये अलग चीज है। और लाइटिंग का तरीका इसमें अलग है, इसमें लाइट नीचे बताते हैं इसमें, ठीक है सेल है, तो सेल से इसमें क्या है, नीचे लाइट होती है, इसमें LED का बटन है, तो यहाँ दबाते हैं तो इसमें लाइट चल जाती है नीचे ऑटोमेटिकली, तो अपने को इसके अंदर ना ऐसा अंधेरे की टेंशन नहीं आएगी। इसमें नीचे डायरेक्ट, इसमें तो मिरर होता है माइक्रोस्कोप में, तो इसके अंदर लाइट होती है नीचे से, तो लाइट चल जाती है, उस लाइट से देख सकते हैं। ठीक, और इसमें एक दिया हुआ है इन्होंने, इसमें दिया हुआ है 100x जूम से लेके 250x जूम तक। देखो यहाँ 100 है, ये घुमाने का, इसमें यहाँ तो इसके अंदर 100x है, इधर रखेंगे तो इधर घुमाएंगे तो ये 250x हो जाएगा। तो नहीं, तो इसका मैग्निफिकेशन ज्यादा भी है, ये 450x तक भी जूम कर सकता है, लेकिन ये 250 तक ही कर सकता है, ऐसा इसमें कहा है। अब इसका 100 भी कितना जूम करता है ये पता नहीं है, करके देख के तो समझ में आया कैसा दिखता है। अगर जैसा इसमें दिख रहा है 100 पे, वैसा ही इस पे 100 पे दिख रहा है, तो ठीक ही है। और अगर थोड़ा अंतर आ रहा है तो मैग्निफिकेशन में अंतर भी हो सकता है, दिखते हैं और क्या क्या है इसमें, क्या है और तो निकाली स्लाइड नहीं है क्या, हाँ स्लाइड है यार, स्लाइड है इसमें, लेकिन साइड में ये प्लान दिख रही थी, हाँ एक ही स्लाइड दी है इन्होंने, तो स्लाइड की टेंशन क्या, स्लाइड तो हमने बहुत सारी, वो भी दे रखा है उसके ऊपर का, कवर स्लिप भी दे रखी है इन्होंने, स्लाइड भी है कवर स्लिप भी है सब कुछ है, स्लाइड की जरूरत नहीं है अपने को, अभी स्लाइड बाद में देखेंगे। अब मेरे को मेन माइक्रोस्कोप चेक करना है और ये क्लिप, ये क्लिप इस पर लगा के देखते हैं, क्लिप लग जाएगी इस पर घुमाने का, अच्छा लग गया, घुमा सकते हैं इस पर क्लिप को,
और इसे फोन अटैच कर सकते हैं। ठीक, अब स्लाइड लगा के चेक करते हैं, जो पहले से बनी हुई स्लाइड्स है ना, तो स्लाइड बनाएंगे ज्यादा टाइम लगेगा, बनी बनाई स्लाइड्स को चेक करते हैं। कुछ एक स्लाइड अपने पास बनी बनाई है, मैं डब्बा निकाल लेता हूँ, इसके सामानों को तो रख देते हैं साइड में और फिर इसको चेक करते हैं। छेड़ना नहीं है, इसमें तो जो स्टेज होता है यहां पे रखते हैं स्लाइड को, ठीक है, इसके अंदर स्टेज पता है इस साइड में फोल्ड होने का दे रखा है इन्होंने, इसको यूं लाके नीचे से इसको हटाई देते हैं, क्या नाम था, इसमें पता है ये नीचे यूं लग जाता है और इसके अंदर आप ना स्लाइड लगा सकते हो, इसमें यूं स्लाइड लग जाती है, यहाँ पे वहाँ पड़े जाती है, इसका स्टेज छोटा सा है, और अगर आपको बिना स्टेज के देखना हो तो इसको पीछे फ्लिप कर दो और डायरेक्ट इसको किसी भी चीज पर रख के और देख लो, नीचे स्लाइड ऑन करो और डायरेक्ट देख लो, तो वो डायरेक्ट ऑप्शन भी है इसके अंदर, या आपने ऐसे पत्ती का सरफेस देखा, पत्ती पे रखा और पत्ती का सरफेस पे ही जूम करके देख लिया, जूम भी होता है। अच्छा। इसमें जूम है ना, देख 100x से इसको घुमाएंगे तो ये जूम हो जाएगा, इस पे 100 से 250x तक का जूम भी है, फोकस करने का नीचे है, ये फोकस की रिंग है, ये फोकस की रिंग है, इसमें फोकस की रिंग ये वाली होती है, इसमें घुमाने का आगे पीछे है, इसमें भी घुमाते तो ये ऊपर नीचे होता है, और इसको भी जब घुमाते ना तो ये जो नीचे लेंस है ना वो ऊपर नीचे होता है, पता है ना, इसमें भी नीचे ऊपर नीचे होता है, इसे फोकस कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, पहले अपन देखते हैं इसमें कैसा नजर आ रहा है और फिर इसके ऊपर फोन लगा के सेट करेंगे, ठीक, इसको कर देता हूँ फ्लिप, नीचे कर देता हूँ इसका, इसको रख देता हूँ, रखने से पहले तो कोई अच्छे से स्लाइड देख लेते हैं जो साफ साफ नजर आती हो। ये पैरेन्काइमा के सेल्स देखते हैं कैसे दिखेगी, अभी टिश्यू वाला चैप्टर तो अपने लेट आएगा, पर कोशिकाएं तो दिख जाएगी अपने को, तो पहले इसके 10x और उसका 10x ये चेक करते हैं। बेटा ये महंगा भी आता है और सस्ता आया है बहुत, वो तो बहुत सस्ता है, तो मैंने पैरेन्काइमा सेल्स की सेल लगाई है बातें नहीं करनी है लकी। एक यूवी लाइट भी है इसके अंदर, एक अल्ट्रावायलेट लाइट भी है, अब देखो मैं दिखाता हूँ स्क्रीन पे, दिखा देता हूँ फोन पे कैसा दिखता है, ये फोन पे कैसा दिखेगा और उस पे भी फोन लगाएंगे फोन पे कैसा दिखेगा, पहले तो इस पे चेक करते हैं। ठीक है, दिख तो ठीक रहा है, थोड़ा ऊंचा कर, चलो डाले। तो मैं क्या एक इसकी फोटो ले लेता हूँ, एक तरफ इसकी फोटो दिखाऊंगा और एक तरफ उसमें जो फोटो आएगी वो देखेंगे। ठीक है, अब यही स्लाइड उस वाले माइक्रोस्कोप में लगाते हैं, लेकिन पहले उसको सेट करना पड़ेगा।
अब मैं इसमें स्लाइड लगाता हूँ। एक दिक्कत है इसमें, ढूंढना थोड़ा मुश्किल पड़ता है, इसमें ढूंढना मुश्किल पड़ेगा स्लाइड को। मिल गया थोड़ा और, थोड़ा सा अच्छा फोकस कर लेते हैं। ये मैम इसमें क्लिप के अंदर, क्लिप से अटैच हुआ है ना, थोड़ा सा हो सकता है, सही कर सकते हैं इसको भी, सही कैमरा सही प्रेस कर दे तो हो जाएगा। वैसे देखेंगे तो ये ऐसा दिखेगा। हाँ एक ये फोटो ले लेता हूँ मैम। ये पैरेन्काइमा सेल्स है, ठीक है, एक एक बार तुम लोग भी आके देख सकते हो। सुन तुम्हें यहाँ जाना, एक एक करके बुलाना है, एक बार में एक ही आएगा, जल्दीबाजी नहीं करनी, कुछ नहीं करना, सीधा इसके ऊपर आके देखना है। इस पे क्या है, अपने को आंखें लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट दिख जाता है सब कुछ, स्क्रीन पे दिख जाएगा सब कुछ। तो कुछ लाइव भी देखना रहा ना कि चल रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, तो वो लाइव भी दिख जाएगा। वो तुम जो सैंपल लेके आए हो वो लाइव वाला सैंपल भी चेक कर लेंगे इसके अंदर। चलो अगला आओ। हाँ देखो छोटा माइक्रोस्कोप है बिल्कुल। हंड्रेड एक्स पे सेट कर रखा है मैंने। ये रहा माइक, इतना छोटा भी दिखाई नहीं दे रहा, पता नहीं चल रहा। ठीक और मैं क्लास में लगी हूँ, मैं क्लास में सिर्फ नहीं आऊँगा। अब देखो पीछे वंदीप, मैं पूरी वीडियो हटा दूँगा, कोई वीडियो नहीं डालूँगा, मेरे को नहीं बताया तुम्हें चाहिए अगर वीडियो तो चुप रहो। अब देखो इसमें क्या है, ऑप्शन दे रखा है 250x तक का, इसको थोड़ा पास से दिखाना, ऊपर से दिखाना। देखो मैं नीचे से जूम करूंगा तो क्या जूम हो रहा है नहीं हो रहा है इसमें चेक हो जाएगा, थोड़ा ऊंचा से रखना। हाँ और इसकी स्क्रीन पर टच करते ना ये फोकस भी हो जाता है, तो मैं इसको जूम करता हूँ। हो रहा है 250 कर दिया मैंने, हो रहा है। अब इसको फिर से फोकस कर लेते थोड़ा सा, फोकस भी हो गया, वैसे ज्यादा अंतर आया नहीं, इतना तो अपन ज़ूम भी कर देते तो भी हो जाता है ना। यस सर, ज़ूम करने पे भी इतना ही है, और ज़ूम करो इसे। वो तो मैं उससे करूँगा। फोन से सर करो, फोन फोन से तो जितना करेंगे वो पिक्सल्स खराब होते जाएंगे, वही बात है, ज़ूम के अंदर थोड़ा सा बस ज्यादा बड़ा दिखने लग गया। यस सर, ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा, कोई खास फर्क नहीं है ज़ूम में, तो जितना आप इस पे 10 पे देख, ये 100 पे देख रहे हो उतना ही 250 पे दिखता है, बस थोड़ा सा फील्ड बड़ा हो जाता है। तो ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम 100x तक ही दिखाता है, उससे ज़्यादा नहीं दिखाता, 250x नहीं दिखाता, ये 100 तक ही दिखाता है ये कंप्लीट बेटा। 2500 में और क्या लोगे यार, इतना दिख रहा है बड़ी बात है, इतनी सेल्स दिख गई है तो बहुत है यार। पहले इस चीज़ को अपन ट्राई करते हैं, इसके अंदर ला के देखते हैं कि इसमें अपने वो माइक्रोवेव दिख रहे हैं क्या, वो दिख जाएंगे तो उसके बाद में अपन इसके अंदर भी ला के देखेंगे, फिर कंपेयर करेंगे कैसा दिख रहा है। लाइट बंद कर दिया, वो ब्लू लाइट नहीं है बेटा, वो यूवी लाइट है, यूवी लाइट अलग काम आ रही है, यूवी लाइट होती है अल्ट्रा वायलेट लाइट ना। अभी तो बैठ जा सीट पे, तो इसका 10x बहुत अच्छा है, इसका माइक्रोस्कोप का 10x एक्चुअली बहुत अच्छा है, उतना अच्छा उसके अंदर नजर नहीं आता, वो काम चला हुआ है।
ये इसका 10 है, तो इसमें ज़्यादा बेटर है बजाय कि छोटे वाले माइक्रोस्कोप में, कार्सन के माइक्रोस्कोप में उतना अच्छा व्यू नहीं है उसके अंदर। ठीक, तो जैसे ना कहीं पाइप पानी किसी गड्ढे में जमा हो जहाँ पे काई जमी हुई होती है या कुछ होता है, तो वहाँ से पानी लिया था तो तुम लेके आए थे, अमित लेके आया था। ठीक है, अमित तो दिखा दो एक बार, अमित लेके आया था हमारे लिए सैंपल, और ये सैंपल हमने इसमें रख के चेक किया है, तो हमें जो एल्गी है, शैवाल जिसे कहते हैं हम, वो तो बड़े साफ साफ अच्छे से नजर आ रहे हैं, शैवाल तो बढ़िया नजर आ रहे हैं। ठीक, अब एक बार अपन इसे मूवमेंट करके देखते हैं कि इसमें क्या सच में अपने कुछ और दूसरा ऑर्गेनिज्म भी दिख रहे हैं जो जिंदा दिखते हैं, वो दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। स्लाइड को मूव करके देखते हैं, अभी तो पूरे शैवाल ही दिख रहे हैं इसमें। ये देखो, ये कुछ तो चल रहा है यार, ये देखो वो भाग गया, इधर चला गया, ये देखो हाँ, दिख रहा चल रहा है हल्का हल्का, फिर जूम करना यहीं पर है, यहाँ ये छोटा सा वो अब कौन नहीं आएगा, अंकुश देख रहा है। सीट पे बैठो भाई, तो तुमने देख लिया इसके और इसके में अंतर क्या है, जितना ये छोटा है उतना ही काम कर पाता है, बहुत ज्यादा बड़े लोग नहीं कर सकता, पर हाँ ये है कि इसमें फोन अटैच हो जाता है, एक साथ सबको दिखा सकते हैं और सब जगह लाइट की भी व्यवस्था है, छोटा भी है तो जेब में रख के घूम सकते हैं आराम से, जेब में आ जाता है जब कहेंगे ना जेब में आ जाएगा, इसको हम जेब में रख के सब जगह जा सकते हैं। तो कभी ऐसा होना कि फील्ड में जैसे रिसर्च करते थे हम लोग, रिसर्च करते थे ना, तो रिसर्च के टाइम पे ये बहुत काम आ सकता है कि आप अपना फील्ड में ले गए, फील्ड में कुछ ये चेक करिए, आपको लग रहा है कि हाँ सैंपल कुछ मिल सकता है, तो लैब में लाके इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से चेक कर सकते, पर उतना अच्छा व्यू नहीं देता ये जितना अच्छा कि ये माइक्रोस्कोप दे सकते हैं। इसका 10x से 40x में करते ही सीधे 400 गुना बढ़ता है, बहुत ज्यादा अच्छा व्यू मिलता है, इसके 100-250 में बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता, कुछ 50-1x का ही अंतर आता है, मतलब ये 100-150x जितना ही लगता है मेरे को, 250x तक नहीं लगता, पर हाँ इसका 100x अच्छा है, इसका 100x की फोटो और इसके 100x की फोटो बराबर आई, बिल्कुल बराबर आई। तो एक पॉइंट जो भी सोचा कि अगर आपको जनरली इससे 100x पे सैंपल देखना है तो आप इस पे देखोगे बराबर ही मामला है, और इस पे तो वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो सकती है, फोटो भी खींच लो वीडियो भी बना लो, पर इसके वजह से वीडियो बनाने के लिए अपने कुछ तो सेट करना पड़ेगा, इसको तो कोई सेट करने का कुछ है नहीं, तो इस पे तो हाथ से पकड़ना पड़ता है, इसके बाद क्लिप रहती है फोन लगा के छोड़ दिया होता है। तो ये अनबॉक्सिंग पसंद आई? यस सर, यस सर, लगता मेरे को भी सही रहा है, यस सर, और दूसरी चीज़ देखूंगा मैं वीडियो बनाता रहूंगा, देखना अलग अलग चीजें लगाऊंगा मैं इसके ऊपर इसके नीचे और उनको दिखाऊंगा, यस सर, वीडियो बना लूंगा, तुम देखना वीडियो कैसा दिखता है, यस सर, यस सर।